हेलो फ्रेंड्स, आज डेट है 15 फरवरी, टाइम है 9 o'clock। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वानु, गुड मॉर्निंग वानु। वानु गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। ओ ओ चुन्नू मुन्नू, गुड मॉर्निंग बोल दो भाई। बोलो ना, बोल दो भाई, गुड मॉर्निंग। वानी को वैक्सीन लग गए थे और अभी ये नेबुलाइजर ले रही है। नेबुलाइजर अच्छा होता है कि इससे, इसमें दवाइयों से ज़्यादा इससे असर जल्दी आता है, जल्दी आराम होता है। दवाइयाँ स्लो आराम करती हैं, नेबुलाइजर बेस्ट है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। तो अभी ये सो गई थी तो फिर मैंने कहा, फिर वैसे शायद ये रोई भी, अभी दे देते हैं तो ठीक रहेगा। मैं घर नहाने के लिए जाऊँगी, वो सोई है, तब तक मैं नहा के फटाफट से आ जाती हूँ। काफ़ी अच्छा है ये, अब सुथरा भी है, बट कितना भी अच्छा हो अपने घर जैसा कंफर्ट नहीं होता। घर पास में है तो फिर मैं क्यों यहाँ पे रहूँ सारे टाइम? थोड़ी देर में जाके मैं नहा के वापस आ जाती हूँ। बाहर का ट्रैफिक देखिए कितना ज़्यादा है। हमेशा सारी गाड़ी इतना ही भर के चलता है, बहुत ट्रैफिक रहता है यहाँ। ये अभी हम अपनी गली में पहुँच गए हैं, बस कुछ ही सेकंड्स में हमारा घर आने वाला है। ये हमारा घर आ चुका है, ये पापा बाहर आए हैं। परी और माही अपने पापा के साथ सोई हुई हैं, क्योंकि परी की थोड़ी तबीयत ऐसी हो गई थी। आजकल सभी बच्चे बीमार हो रहे हैं। अभी मैं नहा के आ गई थी तो फिर मैंने उसके बाद ठाकुर जी को नहला दिया है, पूजा कर ली है। अभी हम वापस हॉस्पिटल के लिए निकल गए हैं, प्रियसी भी मेरे साथ आ गई है, क्योंकि थोड़ा इंसान का किया हुआ इतना गंदा कर्म। ये देखिए इंसान का कितना घिनौना कृत्य, कूड़ा ऐसे फेंक जाते हैं अपने घरों से निकाल के, और ये गाय उन्हें खाती हैं, बीमार होती हैं, और तो और बीमार होके अपनी जान भी खो देती हैं। इसीलिए इंसान से ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। अभी हम हॉस्पिटल में आ गए हैं, ये देखिए अब ये हमारा रूम है। ओहो बेबी उठ गई, नंदनी बाबू का ध्यान रख रही है। अभी हम हॉस्पिटल में आ गए हैं, चलते हैं ऊपर, देखते हैं वानी क्या कर रही है। ये देखिए आगे नर्सिंग स्टेशन है, ये हमारा रूम है। वानी उठी हुई है, नंदनी खिला रही है उसे। अभी शाम के 6 बज गए हैं, मैं वानू को वॉक करा रही हूँ ताकि उसका थोड़ा मूड सही हो जाए, क्योंकि सारे दिन बैठे बैठे बच्चे परेशान हो जाते हैं। आज का ब्लॉग अभी हम यहीं पे एंड करेंगे, तो बाय बाय, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।